नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपको पालक पनीर बनाना सिखाती हूँ। मैंने 250 ग्राम पालक लिया है और मैं अभी से आपको काट के दिखाती हूँ कैसे करके काटना है। आपको ऐसे करके सारा हमें काटना है और फिर ये हमें थोड़ी सी 10 मिनट के लिए उबालना है। ये देखिए, मैंने टमाटर भी पीस लिए हैं और 2 प्योटी प्याज पीसी हैं और इसमें 4 लहसुन की कली डाली थी मैंने प्याज में। अब मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा 1 चम्मच एक तेल गरम किया है। अब मैं इसमें जीरा गिरूंगी, ये 3 लाल मिर्ची गिरूंगी और ये मैं जो मैंने प्याज भूनी है वो डालूंगी। अब इसे हम चलाते रहेंगे तब तक ये पक ना जाएगा और ब्राउन कलर नहीं आ जाएगा। बिल्कुल देखिए, प्याज भून चुके हैं, इनका ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, जितनी आप खाते हैं उस हिसाब से डाल देना। अब मैंने मिर्ची डाल के अच्छे से चला दिया है। अब मैं इसमें जो मैं टमाटर पीसे थे वो डालूंगी। अब इन्हें हम पकाएंगे, 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, मैंने अपना पालक पीस लिया है। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। नमक स्वाद अनुसार गिर लीजिए और इसे पकने दीजिए 10-15 मिनट के लिए, तब हम इसमें पालक डालेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी पालक अच्छे से बन चुका है और इसमें मैं पनीर घेर रही हूँ। अब पनीर घेर के केवल हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी पालक पनीर की। अगर आप गरम मसाला खाते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे हम, और इसे हम अभी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, हमारी पालक पनीर सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।